कि वो भारतीय समाज हमारा है और इसकी संस्कृति अपनी है। एक तब तो उदात्त है, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, अस्मृतियाँ हैं, इसमें ज्ञान के भंडार हैं, जीवन जीने की पद्धति दी गई है, बहुत ही सुंदर है, बढ़िया है। लेकिन कहीं कहीं इसमें कुछ अमेरिशंस भी आए हैं, कुछ रूढ़ियाँ भी आ गई इसमें, और रूढ़ियों के चलते क्या हो रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, कोई आदमी आगे नहीं आता है। ट्रेडिशन को तोड़ना चाहिए। अब पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति शादी भी करे, खाना खाए, मौज मस्ती करे, होली खेले, सब कुछ करे, लेकिन पति की मृत्यु कहीं हो गई तो उसका सब चीज खो जाता है, और इतना हो जाता है कि मरने का इंतजार होता है। सादा कपड़ा पहनना है, सादा खाना खाना है, गाना नहीं है, नाचना नहीं है, हंसना नहीं है, और कोई फंक्शन में भाग नहीं लेना है। अपने घर में महिला अपशकुन हो जाती है, आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है, तो कहा जाता है कि आप जाए घर बंद हो जाइए, अभी शादी हो रही है। तो एक व्यक्ति पति के मरने के बाद इतना अपशकुन कैसे हो सकता है। तो मैंने इस रूढ़ी को जो मौका मिला, जो वृंदावन में जो विधवाएँ आती हैं रहती हैं, खासकर सबंग आते हैं, ऐसे दूसरे की जगह के भी हैं ज़्यादा दुनिया से, तो उनको खाने के लिए भीख मांगती थी, दवा नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, और सबसे मरने के बाद उनके शरीर को काट करके यमुना जी फेंक दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट जी को पता चला तो PIL फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सुलभ से कहा, थ्रू नालसा, क्या सुलभ कुछ कर सकता है। तो हम वृंदावन गए, माताओं से बात की, पूछा कैसे हो सकता है। तो अभी 2000 रुपया उनको देते हैं हम खाने के लिए, मेडिकल की सारी सुविधा है, एम्बुलेंस है, सारे पेट्रोल और डीजल जो भी देता है, ड्राइवर है, उनको पढ़ाते हैं इंग्लिश में, हिंदी और बंगला में, तीनों भाषाओं में काम सिखलाते हैं, TV दिया है प्रोग्राम देखने के लिए, फ्रिज दिया है पानी पीने के लिए, और मरने के बाद पूरे हिंदू रीति से संस्कार किया जाता है। और अब उसको हमने कहा कि ट्रेडिशन भी तोड़ना चाहिए, तो दीपावली मनाते हैं हम लोग और होली खेलते हैं। तो होली खेलना तो भारतीय समाज में विधवाओं के लिए सख्त मनाही थी, ये तो हो ही नहीं सकता कि होली खेलें। लेकिन आज 4 साल से होली खेल रहे हैं, पहले साल कुछ साधु संतों ने एतराज़ भी किया था, इस बार तो ऐसा हुआ कि साधु संत स्वयं खेलने आ गए, तो समाज ने स्वीकार कर लिया इसको। अब वो पहले मरना चाहते थे लोग, आज जीना चाहते हैं, बोलते वो अच्छा लगता है आपको है। अभी हमने बात किया एक बार से कि कैट वॉक करेंगे आप लोग, ऐसा कह के हम चले गए इस काम में, फिर लौट के आए, देखा सारे जो विधवाएँ थी वो ऊँटों में अपना लिपस्टिक लाए हुए हैं और पूरे अपना चेहरा को पाउडर लगाए हुए हैं। मैं जो लौट के आया बोला कि हाँ, तो कब शुरू करना है, आज नहीं करना है, हमने पूछा आप लोगों से करेंगे, बोला कि हाँ करेंगे, तो आज थोड़े होगा। अब सोचिए जो विधवाएं हैं कभी लिपस्टिक लगाती थी, आज उनके मन में कितना उत्साह आ रहा है, किसी पूछा हमने और तैयार हो गई। इसका मतलब है उनको भी जीने का तो मन करता ही था, लेकिन कर नहीं पाते थे, समाज में कोई था नहीं कि उंगली दिखाए, रास्ता दिखाए, आगे चले, ट्रेडिशन को तोड़े, हिम्मत करे। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश में हिंदू का इतना समाज है, उसमें ये हिम्मत करना कि विधवाओं को कहा होली खेलो और लिपस्टिक लगाओ और पाउडर लगाओ, असंभव था। तो हमने करके दिखा दिया। बजाय कहना है कि अपने देश में जो हिंदू धर्म है बहुत अच्छा धर्म है, अच्छी संस्कृति हमारी है, अच्छे ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन कहीं कहीं ये छुआछूत है, विधवा विवाह और विधवा की प्रथा है, ये सब कुछ ऐसे हैं जिनको तोड़ना बहुत जरूरी है। और उसी के इस क्रम में जो वृंदावन में काम किया हमने, बनारस में हम कर रहे हैं, और उत्तराखंड में जो पुरुष बह गए थे पानी में, सब जवान लड़के सब थे, और उसमें जो 32 विधवाएँ हो गई, उनको उनके परिवार को पूरे को हम देखभाल कर रहे हैं, उनको भी 2000 पर डे पर महीना सबको दे रहे हैं और काम सिखला रहे हैं। उसमें जो अभी तो 3 वर्ष 4 वर्ष हो गया,
जो विधवा जो सबसे छोटी है उसमें 19 वर्ष की थी, वो अंदाज कर सकता है कैसे जिंदगी जिएगी, इतना बड़ा लंबा जीवन होता है और 19 वर्ष में जो विधवा हो जाए तो कैसे रहेगी, कोई समाज सोचता नहीं इसको है। समाज इतना क्रूर है, एक तरह समाज अच्छा भी है बढ़िया भी है लेकिन समाज क्रूर भी है कि दूसरे के तकलीफ का कोई सोचता ही नहीं है कि उसको तकलीफ कैसे होती हो। वो ट्रेडिशन के नाम पर बंधे हुए हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन है, भाई ऐसी परंपरा लेके क्या होगा, ऐसी उड़ी बता लेके क्या होगी, तो वहाँ भी हम इसको कर रहे हैं। तो ये वृंदावन से लेके बनारस से लेकर के और जो उत्तराखंड किया हमने, और राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनका जो रास्ता दिखाया हुआ है, अब ये इतना ही नहीं हम लोग कन्फाइन कर रहे हैं, पूरे देश में हम परिस्थिति पैदा कर रहे हैं ताकि उनको जो विधवाएँ हैं उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए काम सिखलाइए, और जो पैसा कमाने लगेगी तो घर के लोग बाहर करेंगे नहीं, तो किसी चीज़ में उपयुक्त आ जाए, यदि कोई चीज़ उपयोगी हो जाए कोई छोड़ता उसको नहीं है, तो कैसे उपयोगी बन जाए अब विधवाएँ उसका उपाय करना है और इस परंपरा को तोड़नी है और उनको जीवन जीने का अधिकार है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।